अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। नाज़रीन, कल सुबह 20 मई को 7 से 2 बजे तक लॉकडाउन में छूट रहेगी। आज जो एक साकलाबाद प्लॉट पर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, उसके चलते जो लोगों के अंदर और पूरे इस परभनी शहर में जो अफवाहें थी कि कल कर्फ्यू लग जाएगा, संचार बंदी लगेगी, लेकिन परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने यहां पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है और कल 7 से 2 का जो टाइम था पहले भी उसको कायम रखा है। तो कल अहलियाने परभनी को इतला दी जाती है कि अपने तमाम जरूरियात के जो काम है वो 7 से 2 के दरमियान में कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। नाज़रीन, आज अगर परभनी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कुल मिलाकर 6 पेशेंट परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जिंतूर तालुके के 3 पेशेंट मिले थे जो शेवाड़ी गाँव के रहने वाले थे, एलदरी सर्कल के। उसके बाद नाज़रीन मिलिंद नगर परभनी में एक मिला और उसके बाद सोनपेट तालुके में एक पेशेंट मिला था। उसके बाद आज एक पेशेंट का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जो साकलाबाद प्लॉट परभनी के रहने वाला पेशेंट, जो नौजवान एक पेशेंट है जो पुणे से आए थे यहाँ पर, उनको मिलाकर नाज़रीन आज कुल मिलाकर 6 की तादाद कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है परभनी शहर में। तो नाज़रीन, कल के लिए ये बहुत ही अहम खबर है कि कल सुबह 7 से 2 का जो टाइम था लॉकडाउन में छूट का वो कायम रखा गया है यहाँ पर। ऐसा हमने खुद कलेक्टर साहब से फ़ोन पर बातचीत की, उसके ज़रिए हमें मालूम हुआ है। तो कल 7 से 2 के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरियात के काम कर लिए और उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। नाज़रीन, कोरोना वायरस खुद आपके घर पर चलकर नहीं आएगा। अगर आप ऐसे एरियो में ना जाएं जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बाहर गांव से आए होंगे, ऐसी जगह पर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और परभनी के लोगों का भी ख्याल रखे और सेफ रहे। आप देखते रहिए नाज़रीन परभनी अपडेट न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।